थिक एंड ब्लैक हेयर पर्सनालिटी को चार चांद लगा देता है और साथ ही साथ वेरियस टाइप ऑफ हेयर स्टाइल आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस भी प्रोवाइड करता है। लेकिन हेयर फॉल, हेयर लॉस, व्हाइट हेयर के वजह से आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का भी सामना करते हो और कुछ केस में ऐसा भी देखा गया है 13 या 14 साल का उम्र में ही उसका हेयर लॉस या व्हाइट हेयर का प्रॉब्लम से वो जूझता है। आपका एज अगर बिलो 30 है और उस वक्त अगर आपके सर में सफ़ेद बाल आ जाता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम को आपको फेस करना हो सकता है। लेकिन आज के इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग ऐसे टिप्स के बारे में बात करूंगा जिससे यूज़ करके आप बहुत ही जल्द आपका जो व्हाइट हेयर है उसको आप ब्लैक हेयर में कन्वर्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर आपका एज मान लीजिए 40 प्लस से 50 प्लस होता है तब नेचुरल तरीके से ही आपके सारे बाल सफ़ेद होने लगता है। लेकिन अगर आपका एज बिलो 30 है और 40% आपका हेयर व्हाइट हो जाता है तब आप अगर ये सारा टिप्स यूज़ करोगे तो 100% आपका जो व्हाइट हेयर होगा वो ब्लैक हेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कौन से कारण से आपका जो व्हाइट हेयर होता है यानी कि जो ब्लैक हेयर होता है वो क्यों व्हाइट हेयर में कन्वर्ट होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखना एंड तक, नहीं तो आप कुछ भी समझ में नहीं पाओगे। सफ़ेद बाल या व्हाइट हेयर मेनली दो कारण होता है। नंबर वन एनवायरनमेंट, जिसमें एयर पॉल्यूशन, डस्ट, हाईली टेम्परेचर एनवायरनमेंट, वाटर पॉल्यूशन, टॉक्सिफाई शैम्पू एंड टॉक्सिफाई हेयर ऑयल, वेरियस टाइप ऑफ टॉक्सिफाई हेयर कंडीशनर एंड अदर थिंग्स जो आपके बालों के लिए यूज़ करते हो, ये आपका बाल को डैमेज कर देता है। साथ ही साथ उस वक्त आपका जो हेयर होता है वो धीरे धीरे व्हाइट होने लगता है। ये मेनली इन्वायरमेंट पर आपका डिपेंड करता है। नंबर टू फूड न्यूट्रिशन, अगर आप ज़्यादा मात्रा में फास्ट फूड यानी कि बर्गर, पिज्ज़ा आप ये सब खाते हो, ज़्यादा मात्रा में शुगर को कंज्यूम करना, स्मोकिंग, अल्कोहलिंग, अनहेल्दी डाइट प्लान और लैक ऑफ फूड न्यूट्रिशन के वजह से आपके बाल भी सफ़ेद हो सकता है यानी कि हेयर लॉस हो सकता है। ये मेनली टू टाइप्स होता है। व्हाइट हेयर का मेन कारण होता है मेलानिन नामक एक प्रकार केमिकल्स जो आपके बालों का जो स्कैल्प्स होता है वहाँ से रिलीज होता है। अगर ज़्यादा मात्रा में मेलानिन निकालता है तो आपका जो बाल है वो ब्लैक रहता है और किसी भी कारण से अगर मेलानिन कम हो जाता है तो उस वक्त आपका जो ब्लैक हेयर होता है वो धीरे धीरे व्हाइट हेयर में चेंज होने लगता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा वो इंटरेस्टिंग टिप्स जिससे आप बहुत ही जल्द आपका व्हाइट हेयर को आप ब्लैक हेयर में कन्वर्ट कर सकते हो। नंबर वन कोकोनट ऑयल प्लस लेमन जूस। हाल ही में एक स्टडी में ये पता चला है अगर आप कोकोनट ऑयल के साथ लेमन जूस को मिक्स करके एक साथ आपके बालों पर लगाते हो तो ये क्या करता है, आपका जो स्कैल्प होता है उसे स्ट्रांग करता है, साथ ही साथ जो मेलानिन का मात्रा है उसे भी मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हेल्प करता है ये लेमन जूस प्लस कोकोनट ऑयल। इसीलिए अगर आप ये दोनों चीज़ों को एक साथ मिक्स करके यूज़ करते हो तो नेचुरल तरीके से ही बहुत ही जल्द आपका जो व्हाइट हेयर होता है वो धीरे धीरे ब्लैक हेयर में कन्वर्ट होने लगता है और ये बहुत सारे स्टडी में भी पता चला है। तो आप इसे बेझिझक यूज़ भी कर सकते हो क्योंकि जो कोकोनट ऑयल और जो लेमन जूस होता है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है आपके बालों के लिए और इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट भी होने का चांस नहीं है, तो इसीलिए आप इसे बेझिझक यूज़ कर सकते हो। तो इसे यूज़ करने के लिए आपको पहले कोकोनट ऑयल लेना होगा, उसके ऊपर आपको लेमन जूस को मिक्स कर देना होगा और उस मिक्सर को आपके पूरे बालों के ऊपर धीरे धीरे से मसाज करना होगा। ऐसे करने के बाद आप देखोगे आपका जो स्कैल्प होता है वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे तरह से होगा। अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है तो आपका जो बाल है वो भी अच्छा रहेगा, साथ ही साथ जो व्हाइट हेयर होता है वो धीरे धीरे ब्लैक हेयर में कन्वर्ट होने लगता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। नंबर टू ब्लैक टी, ये सबसे इफेक्टिव रेमेडीज़ है और बहुत सारे इंसानों ने इसे आजमाया है और वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। ब्लैक टी लीव्स है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बेनिफिटफुल इंग्रेडिएंट्स पाया जाता है जो हेयर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसीलिए आपका जो व्हाइट हेयर होता है वो जल्द से जल्द ब्लैक हेयर में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि जो ब्लैक टी है ये बहुत सारे स्टडी में पता चला है कि ये जो व्हाइट हेयर को ब्लैक हेयर में कन्वर्ट करता है। पहले आपको 200 ml वाटर के साथ 1 टीस्पून टी लीव्स को अच्छे तरह से 5 मिनट्स तक हाई फ्लेम में उबालने के बाद जब वो ठंडा हो जाएगा तब आपका जो हेयर है वहाँ पर धीरे धीरे से उसे मसाज करना होगा और ऐसे मसाज करने के बाद आप उसे 15 या 20 मिनट्स तक ऐसे ही छोड़ दीजिए।
और उसके बाद आप वाटर से आपका जो सर है उसको आप धो लीजिए। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना होगा टॉक्सिन वाला शैम्पू, टॉक्सिन वाला हेयर कंडीशनर एंड टॉक्सिन वाला हेयर ऑयल, इससे आपको बचना होगा, क्योंकि अगर आप ये सब यूज़ करते हो तो इसमें जो हार्मफुल टॉक्सिन होता है वो आपके बालों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए आपका बाल बहुत तरह से डैमेज हो सकता है, इसीलिए आप इन चीज़ों से दूर रहो। ऑलरेडी मैं बेस्ट टॉक्सिन फ्री शैम्पू के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ डिटेल में, अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियो का आप देख लीजिए, उससे आपको बहुत ही आइडिया मिल जाएगा कौन सा शैम्पू आपके बालों के लिए अच्छा होगा, तो ज़रूर उस वीडियो को आप चेकआउट कीजिए। साथ ही साथ जिस फूड में ज़्यादा मात्रा में जिंक, विटामिन B12, आयरन, प्रोटीन ये सब पाया जाता है उस फूड को आप खाया करो, और आप सुबह उठकर कुछ एक्सरसाइज भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करते हो तब आपके शरीर में और आपके हेयर का जो स्काल्प होता है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही अच्छा मात्रा में ब्लड सर्कुलेशन होता है, इससे बहुत ही जल्द व्हाइट हेयर ब्लैक हेयर में कन्वर्ट हो जाता है, साथ ही साथ आपका हेयर लॉस भी कम हो जाता है। तो आई होप मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक, हो सके तो इस वीडियो को आपका फ्रेंड के साथ कर दीजिए शेयर। तो फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।